मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए आज का वीडियो जो है कैस्पियन सागर से सटने वाले देश, कौन कौन सा देश जो है वो कैस्पियन सागर को छूता है या सटता है या टच करता है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर को नहीं छूता है, तो उस स्थिति में ये आपको याद रहेगा तभी बनेगा। या फिर क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है या सटा हुआ है, ठीक है, उस स्थिति में ये आपको कामयाब होगा। तो देखिए कैस्पियन सागर से सटने वाले देश, इसका एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवाएंगे। लिखा हुआ है तू रुक मैं आई, तू रुक मैं आई, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा देश है शामिल वो हम आपको बताते हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच वो देश है और इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए पहला हम लिखते हैं आपको तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद जो है अगला जो है आपका रूस है, इसके बाद जो है आपका कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इसके बाद जो है आपका अजरबैजान है, अजरबैजान, अजरबैजान है, और उसके बाद जो है आपका ईरान है। तो ध्यान दीजिएगा कैस्पियन सागर से सटने वाले देश का ट्रिक हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो है ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है, तू रुक मैं आई, ये जो है मैं जो है ये साइलेंट है, इसके लिए कुछ नहीं है। तू रुक मैं आई न कहता है, तू रुक हम आते हैं, है ना, तू रुक मैं आई, तो वही चीज है तू रुक मैं आई। तो तू से तुर्कमेनिस्तान, फिर जो है रूस से रूस, क से कजाकिस्तान, आ से अजरबैजान और ई से ईरान। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए ट्रिक हम इसलिए आपको बताते हैं कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो ट्रिक के माध्यम से ज्यादा ढंग से याद रहेगा, आप नहीं भूल पाएंगे। होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है या सेट आप बनाते होंगे वहां पे आता है तो विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, तू रुक मैं आई, कैस्पियन सागर से सटने वाले देश, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये सभी देश जो है कैस्पियन सागर से सटता है या जुड़ता है या छूता है, ठीक है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए आज भर इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।